हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलह श्रृंगार। दोस्तों, अभी मैं बात करने वाली हूँ एक कंडीशनर की। तो ये जो कंडीशनर है ना, ये आपके बालों को सिल्की बनाएगा, नरिश करेगा तथा आपके कलर्ड हेयर को भी ट्रीट करेगा। तो ये कौन सा कंडीशनर है? ये है सेंट बोटानिका का स्मूथिंग प्रो केराटिन एंड आर्गन कंडीशनर। तो इसकी पैकेजिंग आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप का इसका पैकेजिंग है। मतलब ये जो ट्यूब है ना, ये गोल्डन कलर के ट्यूब में है और यहाँ यहाँ पर डार्क पर्पल से लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा देखने में भी सुंदर लग रहा है। और ये विथ शिया बटर है, विथ जम ऑयल है, इसमें ग्रीन टी है, स्वीट आमंड ऑयल है और इसमें नेचुरल ऑयल्स भी मिक्स हैं। और ये नो सल्फेट है, नो मिनरल्स है, नो पाराबिन्स है, तो बहुत अच्छा कंडीशनर ये आपके लिए हो सकता है। उसके बाद ये क्रुएल्टी फ्री है, वेगन प्रोडक्ट है, जैसा कि यहाँ ग्रीन साइंस से पता चल रहा है। मेड इन भारत प्रोडक्ट है, 50 ml की क्वांटिटी में है। प्राइस इसकी 149 rupees है। आप चाहें तो इसे ऑफलाइन भी देख सकते हैं, मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है। तो सेंट बोटानिका का जो साइट है ना, उस पर जाकर आप इसके बारे में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये आपको बहुत सारे जो ब्यूटी साइट्स हैं अभी उस पर ये मिल जाएगा आसानी से, या फिर आप सर्च कीजिएगा अगर, तो गूगल में जाकर सेंट बोटानिका कंडीशनर लिखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। और हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बता दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर स्पॉन्सर कर रही हूँ। इसे हमने खुद से परचेस किया है, खुद के लिए परचेस किया है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है इसलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं और इसे किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो इसे करना क्या है ना कि जब आप शैम्पू कर लीजिए, मतलब जब अपने बालों को धो लीजिए, और गीले बालों में ही कंडीशनर को लगाया जाता है। तो कंडीशनर जब लगाया जाता है ना, तो आप उसे जब लगाइए, मतलब हाथ में निकालिए पाम में और ऐसे करके दोनों हाथ से इस तरह कर लीजिए, और जड़ में मत लगाइएगा। बालों के जड़ में कंडीशनर को नहीं लगाया जाता है, वो ऊपर यहाँ पर लगाया जाता है, तो लेंथ इस पर लगाया जाता है। जैसे लेंथ पर आपने लगा लिया और फिंगर टिप से बालों के ऊपर यहाँ पर लगा लिया, लेकिन उसे आप बालों के जड़ों में नहीं लगाइएगा। उसके बाद 2 मिनट तक आपको रहने देना है उसी तरह, मतलब कि लगा हुआ ही लेप, एक तरह से कहा जाएगा कि लेप लगा लिए। तो लेप में होता है ना कि जैसे मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी में क्या करते हैं कि बाल को पूरा ढक देते हैं, वैसा नहीं करना है। तो हाथ में ऐसे मिलाया और इस तरह से लगा लिया, और फिर 2 मिनट के बाद बालों को ठंडे पानी से धो लीजिए। और फिर जिस तरह से आप बाल को सुखाते हैं तौलिया में, बाल को तो लपेटते ही होंगे धोने के बाद, तो उस तरह से आप अपने बालों को रहने दीजिए लपेट के थोड़ा देर। तो उसी मतलब कंडीशनर उसी तरह लगाया जाता है। तो आज ना हमने अपने बालों में शैम्पू भी किया है और कंडीशनर भी किया है, तो इसी कंडीशनर को हमने अप्लाई किया है आज। मैं बहुत दिनों के बाद आज कंडीशनर लगाई हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे बाल, मतलब आज तो मेरे बाल कमाल के लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे मुझे लग रहे हैं। मेरे खुद के बाल मुझे बहुत दिन बाद बहुत प्यारे लगे, तो आई लव माई हेयर, आई लव माई बाल, मुझे अच्छे लग रहे हैं अपने बाल। आप लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकता है कि क्या इसे लड़के लगा सकते हैं, क्या इसे लड़कियाँ ही लगाएंगी? तो जी हाँ दोस्तों, इसे लड़का तथा लड़की मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के ही लिए है, तो इसे मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं इस तरह के रोज़ रोज़ वीडियो लाते रहती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि और मैं किस तरह का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ कुछ, होता है कुछ, होता ही है ना कि वीडियो इधर से, तो वीडियो रोज़ आ ही रहा है ना, रोज़ तो वीडियो आ ही जा रहा है, और अगर एब्सेंट बीच में हो जा रहा है तो फिर एक दिन में मैं दो दो तीन तीन वीडियो भी अपलोड कर दे रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।